Hello guys, how are you? Me Shajeev. Welcome to my channel AJ Chase Strategy. So guys, आज मैं Garry Kasparov जी के एक और बेहतरीन मैच लाया हूँ और ये दोस्तों एक बहुत ही अटैकिंग मैच है और कैसे किंग को भगाया बस वो देखने की बड़ी बात है। और इसके ओपोनेंट थे रॉबर्ट वेगनर, एक चेस जर्मन चेस के ग्रैंड मास्टर, और Garry Kasparov जी खेल रहे थे ब्लैक पीसेस के साथ। तो और ये एक रैपिड का मैच था, तो ये इस मैच में वाइट ओपन किया c4 से, पॉन टू c4, देन आया दोस्तों e5, नाइट टू c3, और यहाँ पे जो खेला जाता है एक्चुअली नाइट टू c3 के बाद आया d6, सॉरी इट्स अ d6 कि यहाँ पे बिशप के लिए ओपन और बढ़िया मूव। देन आए दोस्तों यहाँ पे d4 के बाद इटेक्स d4, क्विंटेक्स d4, देन दोस्तों नाइट को डेवलपमेंट, और ये अच्छा चॉइस है। फिर दोस्तों यहाँ पे आए पॉन पुश कि अपना बिशप को डेवलप करने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है, या फिर बिशप को डायरेक्टली h3 में भी लाया जा सकता है और g2 में भी लाया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में नाइट को डेवलप किया और साथ ही साथ ये जो कोइन है कोइन पे अटक है, तो यहाँ पे बेस्ट मूव है कि कोइन को व्हाइट में रखो, पर चलो यहाँ पे ब्लैक में रखा गया, क्विन टू d2 खेला गया। देन आते ही दोस्तों बिशप टू a6, और ये अच्छा मूव है क्योंकि ये जो पॉन पे डायरेक्टली अटैक हो रहा है तो ये अच्छा मूव है। और साथ ही साथ एक और थ्रेट है दोस्तों, वो है कि जो d6 का जो ये पॉन है ना, ये पॉन आगे जाकर पुश हो सकते हैं। अगर पॉन पुश हो जाए तो पॉन टेक्स पॉन के बाद क्या होगा, ये जो सेंटर में ब्लैक का 3 नाइट और 1 बिशप है, हाँ, और साथ ही साथ क्वीन का सपोर्ट मिल रहा है, तो ब्लैक के लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस पोजिशन में जो बेस्ट मूव है वो है कि e4। ये बेस्ट मूव एक्चुअली है e4 की। अब क्या होता है, अगर नेक्स्ट मूव में पॉन पुश भी होता है तो दोस्तों उसे पॉन टेक्स पॉन के बाद क्या होगा, वो एडवांटेज उल्टा व्हाइट के पास चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक्चुअली बेस्ट मूव e4 है, लेकिन मैच में खेला गया नाइट टू d5, और ये भी एक अच्छा मूव है क्योंकि अगर इसे तुम नाइट से लेते हो देन पॉन टेक्स नाइट के बाद दोनों में से एक पीस जा रहा है, या सपोज इसको बिशप से लेते हो तो क्या होगा, पॉन टेक्स के बाद ये नाइट को ऐसे हटाना फोर्स है, और दोस्तों ये जो नाइट पॉन बहुत डेंजर है क्योंकि बिशप अगर ये आ जाते तो पॉन के लिए बहुत सपोर्ट मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा खासा पोजीशन बन जाएगा वाइट के लिए। इसीलिए ब्लैक यहाँ पे नाइट को उधर खेलते हैं, और ये अच्छा मूव है कि नाइट को सेव करके, सॉरी नाइट को बस e5 पे रखा गया, और ये बढ़िया मूव है। और साथ ही साथ अटैक इस छोटी सी पॉन पे, तो यहाँ पे आया b3, गुड मूव, और b3 आया दोस्तों। देन आते हैं नाइट टू e4 डायरेक्टली इस क्वीन पे अटैक हो रहा है। अगर सपोज कि क्वीन वो इस वाइट स्क्वायर में के छोड़कर अगर इधर आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर सपोज कि यह खेलते हैं तो क्या होगा, ये जो नाइट और ये दो स्क्वायर अगर यह आ जाते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली अटैक हो रहा है इस छोटे सी पॉन पे। अगर उसके बाद कुछ भी खेलते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे ये जो रुक जा सकता है, या फिर रुक के साथ नाइट का एक्सचेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहले खेला गया क्वीन टू e3, देन क्वीन टू e3, फिर भी दोस्तों यहाँ पे आते हैं नाइट टू क्वीन टू e3, देन आते हैं दोस्तों नाइट टू c5। एक्चुअली इस पोजीशन में अभी भी बेस्ट मूव है कि पॉन को पुश कर दो और ये नाइट को सेव करो, और नेक्स्ट मूव में ये जो ब्लैक का जो दूसरा नाइट है उसको ये जो g4 का व्हाइट स्क्वायर यहाँ पे ला सकते थे, पर यहाँ पे अपना नाइट को यहाँ खेला, ये भी गुड मूव है लेकिन वो बेस्ट मूव थे। अब क्या होता है दोस्तों, पोजिशन देखो, व्हाइट ब्लैक का दो नाइट एकदम अच्छे से सेटल है मिडिल पे, बिशप भी है, पॉन के सपोर्ट मिल रहे हैं, और उल्टा जो व्हाइट के पास बस दो पीस डेवलप हुआ है, और ये जो एक्चुअली ये व्हाइट ये जो है वे बहुत डेंजर है, बस वही एक्चुअली इस पोजीशन का बेस्ट मूव है कि बिशप को इधर रखे g2 पे, पर यहाँ पे खेला गया बिशप टू c2 और अटैक बनाए इस नाइट के, कि ये डेंजरस नाइट को ऐसे हटा दे, पर दोस्तों अपना जो इकलौता डेंजरस माइनर पीस वो है नाइट, और उस नाइट पे अटैक कर दी, तो अब इस नाइट को सेव करना जरूरी है वरना पोजीशन चला जाएगा। इसलिए वो आया a4 पे। अब नाइट टू a4 आया, देन यहाँ पे क्या खेला जा सकता है, ये पहले खेला गया g4, और गाइस यहाँ पे पॉसिबल था या फिर अच्छा मूव था कि नाइट से बिशप को लिया जाए, इसमें क्या होगा कि दोनों के क्वीन ही अटैक पे रहेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे खेला गया क्वीन को इधर, जो अच्छा खासा छोटा सा बड़े बस छोटा सा अच्छा मूव है ये d4। देन आते हैं दोस्तों d4 के बाद यहाँ पे आते हैं नाइट टू
शॉकिंग मूव नाइट टू हेयर आई मीन नाइट टू ई4। अब नाइट टू ई4 का फायदा क्या है, नाइट टू ई4 का फायदा क्या है, नाइट टू ई4 का फायदा बस ये है कि अगर सपोज इसको अब लेते हो, सपोज इसको लिया जाता है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यह आएगा चेक और फोर्स मूव है कि क्वीन को ऐसे हटाओ और दोस्तों उसके बाद आएगा चेक और ये जो स्वीट सी क्वीन है ये चली जाएगी, इसीलिए वो उसे लेना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए क्वीन क्वीन टू डी फोर और नाइट ई फोर के बाद आया पॉन बिशप टू एच थ्री और ये गुड मूव है बिशप टू एच थ्री। देन दोस्तों बिशप टू एच थ्री के बाद फिर से वो चेक आया ए फाइव प्लस में, ये जो चेक आ गया। देन नाइट को अगर इधर लेते तो फिर से वही चीज है दोस्तों, अगर नाइट को सपोज कि इस पोजीशन में रखा जाता है तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि ये देखो पॉन पुश के बाद ये जो क्वीन है इस क्वीन के लिए एक भी स्क्वायर नहीं है, क्वीन के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं, देख सकते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर क्वीन आप नाइट को मार देते हैं तो डायरेक्टली आएगा चेक और क्वीन चली जाएगी, तो इसलिए गाइस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि इस चेक के बाद किंग को डी पे लाया जाए। तो इसलिए दिया गया क्वीन टू सॉरी किंग टू एफ वन। अब किंग आया एफ वन में, देन गाइस जेटेक्स एफ वन, अब ये किसी को भी छू तो नहीं सकते, नहीं छू सकते ना, तो इसलिए बिशप को यहाँ पे कैप्चर करेंगे कि पलटा जवाब उल्टा एक अटैक यहाँ पे बनाए रहे, इसीलिए एक्चुअली ये मुख खेला नाइट टेक्स ए सिक्स देन पॉन टेक्स ए सिक्स देन अगेन नाइट टेक्स दैट पॉन नाइट टेक्स ए सिक्स और यहाँ पे अपने क्वीन को सेव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव पे चेक आ सकते हैं बिशप जा सकते हैं, तो अगेन क्वीन ये किंग बहुत डेंजर कि मैं बस दिखा देता हूँ, अगर इसे नहीं हटाता है कुछ और खेलता है सपोज कुछ भी और रैंडम कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे क्वीन पे अटैक कर रहा है सपोज, तो उसमें क्या होगा दोस्तों पहले चेक दिया जाएगा, उसको अगर लेते हैं तो दोस्तों ये जो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा ब्लैक के लिए, इसीलिए इस पोजिशन में पहले किंग को सेव किया ब्लैक ने और किंग को सेव करके आया यहाँ पे। अब किंग तो सेव हो गए हैं लेकिन गाइस कहाँ आए हैं, क्वीन किंग टू डी सेवन आए हैं ना, अब यहाँ पे नाइट को कहाँ लिया जा सकता है, बेस्ट तरीके क्या है यहाँ पे, एक्चुअली इस पर्टिकुलर पोजीशन में नाइट को दिया, उस नाइट को नहीं छुआ गया, नाइट को दिया गया एच थ्री पे, अब नाइट टू एच थ्री है, देन दोस्तों यहाँ पे आते हैं नाइट टेक्स एच थ्री और ये अच्छा मूव है, क्योंकि मैं बताता हूँ नाइट टू एच थ्री तो अपना यहाँ पे नाइट लेना गुड मूव होगा, तो इसीलिए नाइट को लिया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्पेशल मूव वो है रुक टू ई एट और रुक टू ई एट। अब फायदा क्या है इस रुक टू ई एट का, फायदा ये है कि अब ये जो नाइट है ये पिन हो चुके हैं तो इसीलिए इसको हटा ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे सोच के दिया गया चेक और गाइस ये चेक दिया गया और एक्चुअली ये मूव ब्लंडर है, क्योंकि हाँ क्योंकि हो सकता है कि ये चेक है, वैसे ब्लंडर तो ये जो 15 का जो मूव था यही एक्चुअली ब्लंडर था, यहाँ पे खेलना चाहिए था वो उस पोजीशन पे कि अपना नाइट को वाइट स्क्वायर में लाओ, वही ब्लंडर था, मैंने मिस्टेक कर दिया बोला नहीं था पर वो ब्लंडर था, लेकिन यहाँ पे आते क्वीन टेक्स के बाद आया चेक बढ़िया, देन सेक्रीफाइस हो गए है इस नाइट के और उसके बाद दोस्तों चेक और ये जो नाइट है ये चला गया, ठीक है। एंड गाइस इस पर्टिकुलर पोजीशन में अब ब्लैक ने अपना यहाँ पे ब्लैक क्या खेल सकते हैं, मतलब क्वीन टेक्स एच थ्री के बाद ब्लैक क्या खेल सकते हैं, ब्लैक आया ई सेवन पे की डायरेक्ट चेक का यहाँ पे आ सकते हैं, डायरेक्ट चेक आ सकते तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा ब्लैक के लिए, इसीलिए बिशप टेक्स पॉन कि आप इसे स्टॉप किया, लेकिन दोस्तों गैरी कास्परोव जी कैलकुलेशन में इतने माहिर है, सबको ही पता है गैरी कास्परोव जी के कैलकुलेशंस और उसके जो सैक्रिफाइस कैलकुलेशन है बहुत ही बढ़िया है, तो उसने यहाँ पे अपना चेक देना ही बेस्ट समझा और क्यों मैं दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होगा क्वीन को भागना, देखना बस। और यहाँ पे एक्चुअली बेस्ट मूव थे कि बैक लिया जाए, लेकिन यहाँ पे रुक को लिया गया दोस्तों और देन कोई रुक टेक्स बिशप के बाद आया सीधा चेक और अब ये चेक आ रहा है तो उसको सेव करना फोर्स है, देन आया दोस्तों अगेन इट्स अ चेक और यहाँ पे अब सारे के सारे फोर्स मूव है और भागा दौड़ हो रहा है बस यहाँ से और कुछ नहीं, और अगर यहाँ पे तुम ब्लैक में देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे चेक आ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है इसे और इसीलिए एक्चुअली इसको दिया गया डी वन में, डी वन में दिया गया तो फिर से चेक आ गया
हाँ, एक रुक के बदले एक रुक, मतलब एक बिशप के बदले एक रुक मिल रहा है, लेकिन पोजीशन बहुत बढ़िया है। और अगर दोस्तों तुम यह देते हो तो ये चला जाता है, दोनों रुक ही चला जाएगा। तो इसीलिए आना पड़ा किंग टू C2 में। अब किंग टू C2, देन गाइस फिर से आया चेक। और अगर यहाँ से बैक आते हैं दोस्तों तो फिर से यहाँ पे चेक आ सकते हैं, तो फिर तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब खेल रहेगा ही नहीं। तो इसलिए इस पोजीशन में दिया गया क्वीन टू C3। और गाइस यहाँ पे आया चेक और ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन। और यहाँ पे रिजाइन मारने की पर्पस क्या है? अगर सपोज कि इस पोजीशन में कुछ भी खेलते हो, वैसे कुछ ज्यादा मूव है नहीं, सपोज कि यहाँ पे इस पॉन को क्या खेलोगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा मूव है नहीं, सपोज कि इस पॉन को सिर्फ सॉरी चेक में है तो रिजाइन कर दिए थे, तो उसे हटाना फोर्स से, सपोज कि यहाँ देते हो, देन आएगा चेक और ये अब किंग कहा जाएगा। किंग अगर नीचे इधर आना ही फोर्स है, और अगर नहीं आ सकते वहां पे भी नहीं आ सकते तो बेस्ट मूव है कि इधर आ जाए। और यहाँ पे दोस्तों दो मूव हो सकता है, ये चेक या फिर बिशप से चेक, तो कुछ भी नहीं रहता, वो दो तीन मूव के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में आई मीन 28 के ये जो पोजीशन यहाँ पे रिजाइन कर दिया हुबेनर जी ने। और दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से कह दूँ, मैच का जो लॉस हुआ था वो यहाँ पे एक ब्लंडर आ गया था। ये जो पोजीशन है दोस्तों, बिशप टू, यहाँ पे एक्चुअली खेलना चाहिए था नाइट को F3 पे लाना। हाँ, नाइट को F3 ये बेस्ट मूव थे, लेकिन वहाँ पे बिशप को देना मैं बोलने भूल गया था H3, ये एक क्या कहते हैं, ये ब्लंडर थे। और एक दूसरा ब्लंडर थे दोस्तों 60th मूव में, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस पॉन को लेना। यहाँ पे एक्चुअली अभी भी उस नाइट को बाहर निकलना बेस्ट था कि अपना रुक का सेक्रीफाइस कर दो। अगर रुक का सेक्रीफाइस हो जाता तो आसानी से लिया जा सकता, और उसके बाद वो जो नाइट वो ऐसे लौट के नहीं जा सकता था। लेकिन दोस्तों ऐसा मूव नहीं देखा, नहीं हुआ, और वो खिला गया नाइट को, मतलब ये खिला गया नाइट टेक्स A6। और उसके बाद ये दो ब्लंडर मेन पॉइंट था इस मैच के। तो दोस्तों कैसे लगा ये मैच गई का सब्जी? और ये एंड में जो रुक सेक्रीफाइस देके किंग को भगाते भगाते चेक रीजन करने के लिए मजबूर किया, और ये बहुत ही बढ़िया था, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर तुम लोगों को ये मैच अच्छा लगता है तो कमेंट में बताओ, और क्रिकेट सरोजी का और मैच भी मैं लाऊंगा, तो इसलिए कमेंट जरूर करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर तो जरूर भाई, वो तो बनते ही। आज के लिए इतना ही, एंड देन बाय बाय। और एक टास्क यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वो है कि पर्टिकुलर इस पोजिशन में ये जो 11th मूव है, और 11th मूव में और दोस्तों 7th मूव में कौन सा मैं मूव खेलना चाहिए था, ठीक है? सो देन गुड बाय, चलो देन क्वाइट।